श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप नवरात्र के इन 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे एक भी काम करते नहीं हैं। आप कितना भी बोलते रहते हैं, आप कितना भी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चे आपकी कदर नहीं करते हैं, आपके कहे हुए शब्द को बच्चे दोहरा के बोल देते हैं, आपका जरा सा भी कदर नहीं करते हैं, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन, लाल चूड़ी, लाल चुंदरी और लाल बिंदी सामान को आप ध्यान से सुने। लाल चंदन, लाल चूड़ी, लाल बिंदी और लाल चुंदरी, यह चार सामान आप माता जगत जननी के मंदिर में माता को समर्पित कर दें और अपना बच्चों को स्मरण करते हुए आप माता जगत जननी से विनती करके अपने घर चले आए। आपका बच्चा कितना भी गलत संगत में पड़ गया होगा, आपका बच्चा कितनी भी आपकी बात नहीं मानता होगा, वह धीरे धीरे आपकी बात मानना शुरू कर देगा और आपके बताए हुए कार्य को करना शुरू कर देगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जिस नारी का पति किसी पराई स्त्री के साथ में संबंधित हो गया हो या किसी पराई स्त्री के साथ में रह के अपना घर परिवार नहीं देख रहा हो, तो वह नारी, वह बहन, वह माता यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकती है। यह उपाय करने के लिए आपको माता जगत जननी के मंदिर में एक लाल झंडा लगवाना है और झंडा लगवाने के बाद उसमें आप लाल झंडे में मक्खन लगाकर झंडा लगवा दें। झंडे में आप थोड़ा सा मक्खन का लेपन करें और उसी झंडे को आप माता जगत जननी के मंदिर में टंगवा दें। आपका पति आपकी बात मानने लगेगा और पर स्त्री का जो उसका साथ हो गया है वह उसका साथ छोड़कर आपका घर परिवार संभालेगा, अपना बच्चा, घर परिवार सब कुछ संभालने लगेगा और पराई स्त्री का संगत छोड़ देगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं मनोकामना पूर्ति उपाय। अगर आपकी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी है और मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आप यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाओ। 7 बेलपत्र और एक घी का दिया, एक लोटा जल। आप एक लोटा जल जो लेकर गए हैं उस जल को हमेशा की तरह जैसे आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं उस तरह से आप पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद 5 बेलपत्र आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और 1 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। और बेलपत्र समर्पित करते समय आप बेलपत्र की डंडी को जलाधारी के तरफ रखना है और बड़ी पत्ती को शिवलिंग के तरफ रखना है। और जब शिवलिंग पर आप बेलपत्र समर्पित करें, बड़ी पत्ती अपनी तरफ और डंडी जो है जलाधारी के तरफ करके आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और 1 बेलपत्र जो बची हुई है उस बेलपत्र को आप नंदीश्वर महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। नंदीश्वर महादेव के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप अपने जब घर के लिए निकले तो जो घी का दिया लेकर गए हैं उस दिए को आप भगवान शंकर के चौखट पर एक साइड में दिया जला दें। दिया जलाकर आप अपने घर को चले आए।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी आपकी मनोकामना बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, जिस मनोकामना को लेकर आपने यह उपाय किया है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। हमारी दी गई जानकारी अगर थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।